हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त पुलिस कल्याणकारी संघ इकाई हमीरपुर द्वारा पुलिस लाइन दुसरका में त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन जगदीश शर्मा द्वारा की गई। बैठक में सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा भाग लेने पर उनका स्वागत किया गया। बैठक में रिटायर्ड के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गयी। हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त पुलिस कल्याणकारी संघ इकाई हमीरपुर द्वारा पुलिस लाइन दुसरका में त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन जगदीश शर्मा द्वारा की गई। बैठक में सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा भाग लेने पर उनका स्वागत किया गया। बैठक में रिटायर्ड्स के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। रिटायर्ड्स ने उनके लगभग 16 लाख तक के लंबित पड़े मेडिकल बिलों को न दिए जाने पर रोष व्यक्त किया है। बैठक में विपिन चंद शर्मा, पूर्व निरीक्षक का स्वर्गवास होने पर उपस्थित सदस्यों द्वारा उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। एसोसिएशन के चेयरमैन जगदीश शर्मा ने कहा कि आज सीआरपीएफ के 2 सेवानिवृत्त कर्मचारी आज हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त पुलिस कल्याणकारी संघ इकाई में शामिल हुए हैं, जो कि गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि बैठक में सेवानिवृत्तों के लगभग 16 लाख तक के लंबित पड़े मेडिकल बिलों को जल्द देने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि लंबित पड़े मेडिकल बिलों के बारे में उच्च अधिकारियों से आवेदन किया जाएगा कि लंबित पड़े बिलों को जल्द कर्मचारियों को दिया जाए। उन्होंने कहा कि समाज में पनप रही बुराइयों को खत्म करने के लिए स्थानीय पुलिस का पूरा सहयोग दे। उन्होंने कहा कि बैठक में विपिन चंद शर्मा, पूर्व निरीक्षक का स्वर्गवास होने पर उपस्थित सदस्यों द्वारा उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। ये रही आज की मीटिंग की कि हमारे साथ आज सीआरपीएफ के 2 भाइयों ने भी जो रिटायर्ड हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया है, जो कि बहुत ही हमारे लिए गर्व की और बड़ी खुशी की बात है। और जहाँ तक इसके मुद्दों की बात है, हमारा मेन मुद्दा खास करके जो हमारे रिटायरीज हैं उनके जो मेडिकल बिल जो पड़े हुए पेंडिंग बिल पड़े हैं उनकी लोगों ने मांग उठाई है कि उनको जल्दी से जल्दी दिया जाए। लगभग 16 लाख रुपए के बिल जो हैं अभी तक पेंडिंग हैं, तो इसके लिए हमने अलग से एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे और उच्च अधिकारियों से भी, डीजीपी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इन बिलों को जल्दी से जल्दी इनको जो है एम्प्लाइज को दिया जाए, ताकि इनको राहत जो महसूस हो सके। लोगों को ये कहा गया कि जो समाज में जितनी बुराइयां पनप रही हैं उनसे उनके दूर करने में स्थानीय पुलिस का और प्रशासन का पूरा पूरा सहयोग दें और उनको दूर करने में हर प्रकार से भरसक प्रयत्न करें। और हमारा एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर थे विधिवत शर्मा जी, उनकी अभी वो उनकी अभी मृत्यु हो गई थी, उनको उनकी आत्मा को शांति देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके लिए मैंने अपने कर्मचारियों को विशेष रूप से हिदायत दी है कि जब कोई ऐसी घटना हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, और वो अधिकारी तभी जाएंगे जब उनको इस बात की सूचना मिलेगी। जब तक उनको सूचना नहीं मिलेगी तब तक किसी का भी जाना संभव नहीं है, और ये इस बात में कोई जरा सच्चाई भी कोई नहीं है और ना ही इसमें कोई खास बात है। लेकिन जब कभी ऐसी घटना हो तो कर्मचारी जो है या उनके जो रिश्तेदार हैं वो पुलिस को तुरंत सूचित करें, और उस स्थिति में अगर वो नहीं आते तब हमारा इसके संबंध में हमारा रोष होता था, अन्यथा हमारे संबंध में कोई ऐसा रोष है नहीं। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि दिल्ली में जो घटनाएं हो रही हैं, जो स्टूडेंट्स पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी पार्टियां ये अफवाह फैला रही हैं कि पुलिसकर्मी अंदर आकर स्टूडेंट्स को नहीं निकाल सके, बल्कि स्टूडेंट्स पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर रहे थे, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 41, सेक्शन 46 और सेक्शन 47 में ऐसे प्रावधान है कि जहाँ भी क्राइम हो रहा हो वहाँ पुलिस क्राइम को रोकने के लिए जा सकती है और क्राइम को रोक सकती है, लेकिन सामान्य हालातों में यूनिवर्सिटी में जाने के लिए 22 चांसलर की अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन अगर हालात सामान्य ना हो तो पुलिस क्राइम को रोकने के लिए कहीं भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रचार किया जा रहा है ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया जा रहा है, और जो भी पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठ हैं, जबकि पुलिस ने बिल्कुल सही काम किया है। है कि दिल्ली में जो घटनाएं हो रही हैं, रोज स्टूडेंट जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, बोतलें फेंक रहे हैं, पुलिस को पीछे मारने के लिए दौड़ रहे हैं, तो इस बारे में कुछ विपक्षी पार्टियां मिलकर इस
को झूठा अफवाह फैला रहे हैं। ये अफवाह बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में घुस नहीं सकते, जा नहीं सकते थे, वहाँ से स्टूडेंटों को निकाल नहीं सकते थे, जबकि वहाँ से स्टूडेंट जो थे वो पत्थर मार रहे थे, बोतलें मार रहे थे और जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए। CRPC की सेक्शन 43, सेक्शन 46, सेक्शन 47 में ऐसे प्रावधान है कि जहाँ पे क्राइम हो रहा हो और क्राइम रोकने के लिए, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए वो कहीं पे भी सेक्शन 43, 46 में जा सकते हैं, घुस सकते हैं। ये बात सच है कि सामान्य हालात में यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने के लिए 22 चांसलर की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन अगर कहीं पे क्राइम हो रहा हो, गोलियां चल रही हो, पत्थरबाजी हो रही हो, तो वहाँ पे पुलिस को पूरा अधिकार है, CRPC में ऐसा पूरा अधिकार है कि वो वहाँ पे प्रवेश कर सकती है और उनको गिरफ्तार कर सकती है, उनको वहाँ से खदेड़ सकती है। तो ये आजकल जो भ्रामक प्रचार हो रहा है जगह जगह, ये सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए ये गलत प्रचार कर रहे हैं और पुलिस पे गलत ब्लेम लगा रहे हैं, जबकि पुलिस ने वहाँ पे सही काम किया है। पुलिस वाले वहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी हुए हैं, इतने जख्मी प्रदर्शनकारी नहीं हुए हैं। तो पुलिस के लिए ये जो है गलत प्रचार हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ये पूर्ण अधिकार है पुलिस को कि जहाँ पे क्राइम हो रहा हो।